मोस्ट वेलकम एट आवर चैनल टुडे फॉर योर लाइफ। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.3 के बारे में बात करने वाले हैं। इसके तमाम क्वेश्चन को डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर लेते हैं। यूज़ फैक्टराइजेशन टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ दी फॉलोइंग एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट्स गिवन हैं उनके ऊपर हमने फैक्टराइजेशन के रूल को अप्लाई करके उनके स्क्वायर रूट को फाइंड अप करना है। ये दो फार्मूलाज हैं जो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 के मोस्टली क्वेश्चन में यूज़ होंगे, और ये फार्मूलाज आपने तकरीबन 9th क्लास के हर चैप्टर में यूज़ किए हैं। ये फार्मूलाज आपको ज़ुबानी भी याद होंगे। फर्स्ट फार्मूला है ए की पावर 2 प्लस 2 ए बी प्लस बी की पावर 2, यानी कि फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 ए बी। तो ये ओपन फॉर्म में फार्मूला गिवन है, जिसको अगर हम क्लोज करें तो ये वैल्यूज़ इक्वल होती हैं ए प्लस बी होल की पावर 2। बेसिकली हमें क्वेश्चन नंबर 1 के ज़्यादातर पार्ट्स में इस फॉर्म में वैल्यूज़ गिवन हैं, ठीक है ना, जिनको हमने इस फॉर्म में चेंज करना होता है। इसी तरह सेकंड फार्मूला है ए की पावर 2 माइनस 2 ए बी प्लस बी की पावर 2, और ये इक्वल है ए माइनस बी होल की पावर 2। देखें यहाँ पे 2 ए बी से पहले प्लस था, इसलिए ए और बी के दरमियान में प्लस आया, लेकिन नीचे 2 ए बी से पहले क्या था, माइनस, तो इसलिए ए और बी के दरमियान में माइनस आया। इसके अलावा दोनों फार्मूलाज में और कोई डिफरेंस नहीं है। पार्ट नंबर 1 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करना है। हम जानते हैं जो हमारे पास पहली वैल्यू गिवन है 4x की पावर 2, इसको हम लिख सकते हैं 2x होल की पावर 2। इसी तरह जो लास्ट वाली वैल्यू गिवन है प्लस 9y की पावर 2, इसको हम लिख सकते हैं 3y होल की पावर 2। देखें इस फार्मूले के मुताबिक ये वाला फार्मूला यहाँ पर इस्तेमाल होगा, क्योंकि यहाँ पर देखें माइनस इस्तेमाल हुआ है और गिवन क्वेश्चन में भी हमें सेंटर वाली वैल्यू के साथ माइनस गिवन है। अगर यहाँ पर प्लस गिवन होता तो ये जो ऊपर फार्मूला गिवन है ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होना था, लेकिन इस क्वेश्चन में अब नीचे वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा, जिसके मुताबिक ये देखें 2x होल की पावर 2। तो नीचे वाले फार्मूले के मुताबिक जो a की वैल्यू होगी ना वो हमारे पास 2x होगी, और इसी तरह जो बी स्क्वायर गिवन है तो यहाँ पर 3y होल की पावर 2 है, तो b की जगह जो वैल्यू होगी वो 3y होगी। अब हमने ये सेंटर वाली वैल्यूज कैसे ब्रेकअप करनी है, तो बेसिकली माइनस 2 फार्मूले का आएगा, यानी कि ये जो हमें माइनस 2 फार्मूले में गिवन है इसको सिंपल एज इट लिख लेंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। उसके बाद ये देखें ए की वैल्यू हम लिखेंगे, तो क्वेश्चन के मुताबिक ए की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 2x, ठीक है ना, तो 2 के बाद हम 2x लिखेंगे। उसके बाद देखें यहाँ पे बी भी हमने लगाना है, यानी कि बी की वैल्यू भी पुट करनी है, तो क्वेश्चन के मुताबिक बी की वैल्यू 3y है, तो 3y पुट कर देंगे। अब देखें ये फार्मूला किसके इक्वल है, ए माइनस बी होल की पावर 2। तो इस क्वेश्चन के मुताबिक ए की वैल्यू क्या है, 2x पुट करेंगे। उसके बाद क्योंकि यहाँ पे माइनस गिवन है, सेंटर में माइनस पुट करेंगे, और माइनस के बाद बी की वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमें गिवन है 3y, और होल की पावर क्योंकि यहाँ पे 2 है तो सारी वैल्यू की पावर 2 आ जाएगा। अब हमने बेसिकली स्क्वायर रूट फाइंड अप करना है, तो ये जो वैल्यू गिवन है ना जिसका हमने स्क्वायर फाइंड किया, तो स्क्वायर के अंदर जो वैल्यू है 2x माइनस 3y, सिंपल इस वैल्यू को हमने लिखना है और साथ में हमने प्लस माइनस लिख लेना है, आपने इस वैल्यू का स्क्वायर नहीं लिखना आंसर में। इसी तरह पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसमें सिंपल ये देखें फर्स्ट वैल्यू जो हमें गिवन है x की पावर 2, इसको भी हम लिख सकते हैं x होल की पावर 2। उसके बाद देखें लास्ट वाली वैल्यू जो हमें गिवन है प्लस 1/4x की पावर 2, तो इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2x होल की पावर 2। अब देखें यहाँ पे सेंटर वाली वैल्यू के साथ हमें माइनस गिवन है, यहाँ पे माइनस यूज़ होगा, माइनस के बाद हमें फार्मूले में आपको पता है गिवन है माइनस 2, ठीक है ना, तो माइनस के बाद सिंपल हम 2 लिखेंगे, 2 के बाद ए की वैल्यू जो कि क्वेश्चन के मुताबिक एक्स है उसको पुट करेंगे, एक्स पुट करने के बाद बी की वैल्यू पुट करेंगे जो कि क्वेश्चन के मुताबिक 1/2x है, ये हमने फाइंड आउट की है ना 1/2x होल की पावर 2, तो यहाँ पर बी का स्क्वायर था तो बेसिकली बी की वैल्यू थी 1/2x, तो यहाँ पर हम ए के बाद बी की वैल्यू पुट करेंगे 1/2x। इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें, क्या हमारे पास दोबारा माइनस वन आता है कि नहीं, इस वैल्यू को चेक करने के लिए इनको मल्टीप्लाई करते हैं। देखें ये जो बटे के नीचे है 1/2x, तो जो हमारे पास 2 है ये इस वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह ये जो एक्स है इस वाले एक्स से कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास माइनस वन रह जाएगा, तो ये दोबारा ऊपर वाली शेप बन जाती है, यानी कि जो हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर वैल्यूज फाइंड अप की हैं वो हमारी दुरुस्त हैं। तो इस तरह आप चेक कर सकते हैं क्या हमारी कंप्लीटिंग स्क्वायर वैल्यूज जो हमने लेट की हैं वो दुरुस्त हैं या नहीं। अब सिंपल ये हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर वैल्यूज आ गई, उसके बाद अब हम ए वाली वैल्यू जो कि हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है एक्स, एक्स पुट करेंगे, उसके बाद माइनस लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस इस्तेमाल हुआ है,
उसके बाद बी की वैल्यू लगाएंगे 1/2x, ठीक है ना, और होल की पावर 2 आ जाएगा। यहाँ पे भी आपने स्केयर नहीं लिखना, स्केयर के बगैर वैल्यू लिखनी है, यानी कि x माइनस 1/2x लिखना है और साथ में प्लस माइनस लिख लेना है। इसी तरह नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। इसमें जो फर्स्ट वैल्यू गिवन है 1/16x की पावर 2, इसको अगर आप स्केयर की फॉर्म में लिखें यह आ जाएगा एक्स डिवाइड बाई 4 होल की पावर 2। इसी तरह जो लास्ट वाली वैल्यू है 1/36y की पावर 2, इसको हम लिख सकते हैं y डिवाइड बाई 6 होल की पावर 2। अब सिंपल यहाँ पर देखें, दरमियान वाली वैल्यू में माइनस इस्तेमाल हुआ है, तो इसलिए हम माइनस वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे माइनस आ जाएगा, उसके बाद 2 आएगा फार्मूले का, 2 के बाद a की वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि फर्स्ट वैल्यू जो कि हमारे पास x डिवाइड बाई 4 होगी, इसको पुट करने के बाद सेकेंड वैल्यू जो हमारे पास आई है y डिवाइड बाई 6, इसको पुट कर लेंगे। अब हमारे पास ये कंप्लीटिंग स्क्वायर वैल्यूज आ गई हैं, ये ओपन फॉर्म में फार्मूला है, इसको क्लोज करें तो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आएगी यानी कि x डिवाइड बाई 4 आएगा, उसके बाद क्योंकि यहाँ पे माइनस इस्तेमाल हो रहा है तो सेंटर में माइनस आएगा, उसके बाद सेकेंड वैल्यू आएगी y डिवाइड बाई 6 और होल की पावर 2 आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट हमारे पास आ जाएगा x डिवाइड बाई 4 माइनस y डिवाइड बाई 6, साथ में प्लस माइनस आ जाएगा। पार्ट नंबर 4 की बात कर लेते हैं। जो फर्स्ट वैल्यू गिवन है 4 a + b होल की पावर 2, इसको हम लिख सकते हैं 2 a + b होल की पावर 2, यानी कि इसको अगर आप ओपन करेंगे दोबारा यही फॉर्म आ जाएगी। इसी तरह लास्ट वाली वैल्यू जो कि हमें गिवन है +9 a - b होल की पावर 2, इसको हम लिख सकते हैं 3 a - b होल की पावर 2। दोनों वैल्यूज को फाइंड करने के बाद तीसरी वैल्यू जो कि हमें सेंटर में गिवन है इसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि माइनस गिवन है, माइनस वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा, इसके बाद 2 आएगा फार्मूले का, उसके बाद फर्स्ट वैल्यू आएगी यानी कि 2 a + b, इसको पुट कर लेंगे, उसके बाद सेकेंड वैल्यू जो कि हमें गिवन है 3 a - b, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। कंप्लीटिंग स्क्वायर वैल्यूज फाइंड अप करने के बाद अब हम इस ओपन फार्मूले को क्लोज फॉर्म में लिखते हैं, तो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू जो कि हमें गिवन है 2 a + b, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। माइनस वाला फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है, दोनों वैल्यूज के दरमियान में माइनस आएगा, माइनस के बाद सेकंड वाली वैल्यू जो कि हमें गिवन है 3 a - b, ये वाली वैल्यू आ जाएगी और सारी वैल्यू का स्क्वायर आ जाएगा। अब अगर आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो 2 को a + b से मल्टीप्लाई कर दें और इसी तरह -3 को a - b से मल्टीप्लाई कर दें। 2 को a + b से मल्टीप्लाई करें 2a + 2b आ जाएगा, और इसी तरह -3 को a - b से मल्टीप्लाई कर लें, ये आ जाएगा -3a + 3b। अब देखें ये हमें गिवन है +2b और ये +3b, ये आ जाएगा 5b, और ये हमें गिवन है 2a - 3a, ये आ जाएगा -a, होल की पावर 2 आ जाएगा। तो जो हमने स्क्वायर रूट की वैल्यूज फाइंड अप करनी थी वो हमारे पास आ जाएंगी +-(5b - a)। इसी तरह नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। इसमें भी जो बटे के ऊपर वैल्यूज है ना, पहले हमने इनको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हल करना है, फिर जो बटे के नीचे वैल्यूज हैं इनको हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हल करना है। बटे के ऊपर वाली वैल्यूज की बात कर लेते हैं। जो हमें पहली वैल्यू गिवन है ना 4x की पावर 6, सिंपल इसको लिख सकते हैं 2x की पावर 3 होल की पावर 2। इसी तरह जो हमें गिवन है +9y की पावर 6, इसको हम लिख सकते हैं 3y की पावर 3 होल की पावर 2। उसके बाद देखें सेंटर वाली वैल्यू के साथ माइनस है, माइनस वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा, फार्मूले का 2 आएगा, 2 के बाद फर्स्ट वैल्यू आएगी जो कि 2x की पावर 3 है, इसको लगा लेते हैं, उसके बाद सेकेंड वैल्यू आएगी 3y की पावर 3, ठीक है ना, इसको भी साथ में लिख लेंगे। लेकिन देखें बटे के नीचे वाली वैल्यूज में अब चेंज आ रहा है, अब तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं वो माइनस वाले क्वेश्चन थे, अब जो हमें बटे के नीचे इक्वेशन गिवन है बेसिकली इसके ऊपर पॉजिटिव फार्मूला इस्तेमाल होगा। फर्स्ट वैल्यू देखें 9x की पावर 4, इसको हम लिख सकते हैं 3x की पावर 2 होल की पावर 2। इसी तरह लास्ट वाली वैल्यू +16y की पावर 4, इसको हम लिख सकते हैं 4y की पावर 2 होल की पावर 2। उसके बाद देखें सेंटर वाली वैल्यू के साथ प्लस आया, तो प्लस आएगा, उसके बाद 2 आएगा फार्मूले का, 2 के बाद फर्स्ट वाली वैल्यू जो कि हमारे पास है 3x की पावर 2, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, और उसके बाद सेकंड वैल्यू आएगी 4y की पावर 2, इसको पुट कर लेते हैं। अब जो हमारे पास बटे के ऊपर इक्वेशन है इसको अगर हम क्लोज फॉर्म में लिखें तो फर्स्ट वैल्यू आएगी जो कि हमें गिवन है 2x की पावर 3, उसके बाद क्योंकि माइनस वाला फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है सेंटर में माइनस आएगा, माइनस के बाद सेकेंड वैल्यू जो कि हमें गिवन है 3y की पावर 3, इसको लिखेंगे और होल की पावर 2 आ जाएगा। इसी तरह बटे के नीचे जो हमें वैल्यूज़ गिवन हैं इसमें फर्स्ट वैल्यू है 3x की पावर 2, उसके बाद प्लस आएगा क्योंकि सेंटर वाली वैल्यू के साथ प्लस है, प्लस के बाद सेकंड वैल्यू आएगी जो कि हमारे पास है 4y की पावर 2, इसको लिखेंगे और होल की पावर 2 आ जाएगा। अब देखें एक प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं पीछे वाली एक्सरसाइज में,
जो कि हमारे पास होती है ए की पावर टू डिवाइड बाय बी की पावर टू। इसको हम लिख सकते हैं ए डिवाइड बाय बी होल की पावर टू। यही प्रॉपर्टी यहाँ पे इस्तेमाल होगी। देखें बटे के ऊपर वाली वैल्यू का भी स्क्वायर है और बटे के नीचे वाली वैल्यू का भी स्क्वायर है। हम इन दोनों वैल्यूज को लिखेंगे और दोनों वैल्यूज का होल स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है ना। तो जो हमने स्क्वायर रूट फाइंड अप करना था ना, ये ब्रैकेट्स के अंदर जो वैल्यूज है ना, ये वाली आ जाएंगी, साथ में हम प्लस माइनस लिख लेंगे। इसी तरह नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। इसमें जो फर्स्ट वैल्यू गिवन है एक्स प्लस वन ओवर एक्स होल की पावर टू, ये क्लोज फॉर्म में फार्मूला गिवन है, यानी कि फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू होल की पावर टू। इसको अगर हम ओपन करें, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, उसके बाद प्लस, प्लस के बाद सेकेंड वैल्यू यानी कि वन ओवर एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, जो कि आ जाएगा वन ओवर एक्स की पावर टू। उसके बाद आएगा प्लस टू फार्मूले का, उसके बाद फर्स्ट वैल्यू जो कि एक्स है और सेकेंड वैल्यू वन ओवर एक्स। तो अगर हम एक्स को मल्टीप्लाई करें वन ओवर एक्स से तो हमारा आंसर आ जाता है वन। तो वन को टू से मल्टीप्लाई करें दोबारा टू ही आ जाएगा, तो यहाँ पे प्लस टू बाकी रह जाएगा। साथ में ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी, इनमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अब सिंपल ये जो हमें प्लस टू गिवन है, इसको हम लिख सकते हैं माइनस टू प्लस फोर, यानी कि प्लस टू को हमने टू पार्ट्स में ब्रेक किया। तो अगर हम माइनस टू प्लस फोर करें दोबारा हमारे पास प्लस टू आ जाएगा। सिंपल हमने प्लस टू को दो वैल्यूज़ की फॉर्म में लिखा है। अब देखें जो हमारे पास प्लस फोर है ना, इसको हम ब्रैकेट्स के बाहर ले जाते हैं, ये यहाँ पे आ जाएगा प्लस फोर, और बाकी वैल्यूज हमारे पास रह जाएंगी एक्स की पावर टू प्लस वन ओवर एक्स की पावर टू माइनस टू। और ये जो हमें गिवन था ना माइनस फोर इंटू एक्स माइनस वन ओवर एक्स, इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब देखें जो फर्स्ट वैल्यू है, बेसिकली ये ओपन फॉर्म में फार्मूला है, जिसको अगर हम क्लोज करें ये आ जाएगा एक्स माइनस वन ओवर एक्स होल की पावर टू। और इसी तरह ये जो लास्ट पे हमें गिवन है फोर, बेसिकली इसको हम लिख सकते हैं टू होल की पावर टू, ठीक है ना। और सेंटर वाली वैल्यू जो कि हमें गिवन है माइनस फोर इंटू एक्स माइनस वन ओवर एक्स, इसके जगह पे क्योंकि यहाँ पे देखें सेंटर वाली वैल्यू में माइनस आ रहा है, यहाँ पे माइनस आएगा, उसके बाद टू फार्मूले का आएगा, उसके बाद फर्स्ट वैल्यू आएगी यानी कि एक्स माइनस वन ओवर एक्स आएगा, और उसके बाद सेकेंड वैल्यू जो कि हमें टू गिवन है ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब देखें इसके ऊपर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई कर लेते हैं और इसको हम क्लोज फॉर्म में लिख लेते हैं। ये आ जाएगा फर्स्ट वैल्यू जो कि हमें गिवन है एक्स माइनस वन ओवर एक्स, उसके बाद माइनस लिखेंगे क्योंकि सेंटर वाली वैल्यू के साथ माइनस इस्तेमाल हो रहा है, और उसके बाद सेकंड वैल्यू लिखेंगे जो कि हमें गिवन है टू, और होल की पावर टू आ जाएगा। तो हमारे पास ये जो ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यूज है ना, ये आंसर आ जाएगा, साथ में आपने प्लस माइनस लिख लेना है। इसी तरह नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 7 की तरफ। फर्स्ट जो वैल्यू गिवन है इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, सिंपल इसको नीचे लिख लेंगे। उसके बाद ये जो वैल्यू गिवन है ना एक्स प्लस वन ओवर एक्स होल की पावर टू, बेसिकली एक्स प्लस वन ओवर एक्स जो हमें गिवन है, इसको हमने चेंज करना है एक्स की पावर टू प्लस वन ओवर एक्स की पावर टू की फॉर्म में, तभी हम इस क्वेश्चन को हल कर सकेंगे। तो पहले हम एक्स प्लस वन ओवर एक्स को एक्स की पावर टू प्लस वन ओवर एक्स की पावर टू की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। वो हम कैसे करेंगे, इसका स्क्वायर क्योंकि हमें गिवन है, इसको ओपन कर लेते हैं, ये आ जाएगा एक्स की पावर टू प्लस वन ओवर एक्स की पावर टू प्लस टू। सिंपल क्योंकि ये जो हमारे पास ब्रैकेट्स के बाहर है माइनस फोर, ये अंदर सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो पहली वैल्यूज है ना एक्स की पावर टू प्लस वन ओवर एक्स की पावर टू, इसको सिंपल यहाँ पे रहने देते हैं। लेकिन ये जो हमारे पास है ना प्लस टू, इसको ब्रैकेट्स के बाहर ले जाते हैं। तो अगर हम प्लस टू को ब्रैकेट्स के बाहर लेकर जाएंगे तो ये जो माइनस फोर गिवन है ये प्लस टू से मल्टीप्लाई होगा, हमारी वैल्यू आ जाएगी माइनस एट, साथ में प्लस ट्वेल्व आ जाएगा जो कि ऊपर हमें गिवन है। अब देखें अगर हम माइनस एट प्लस ट्वेल्व करें ये आ जाएगा प्लस फोर। अब इन वैल्यूज के ऊपर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट वैल्यू जो हमें गिवन है एक्स की पावर टू प्लस वन ओवर एक्स की पावर टू होल की पावर टू। इसी तरह लास्ट वाली जो वैल्यू हमें गिवन है फोर, इसको हम लिख सकते हैं टू होल की पावर टू। और सेंटर में क्योंकि माइनस इस्तेमाल हो रहा है, सेंटर वाली वैल्यू के साथ माइनस आएगा, उसके बाद टू आएगा फार्मूले का, उसके बाद फर्स्ट वैल्यू आएगी एक्स की पावर टू प्लस वन ओवर एक्स की पावर टू, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद सेकेंड वैल्यू जो कि टू है, इसको भी साथ में लिख लेते हैं। अब देखें बेसिकली इसको हमने क्लोज फॉर्म में चेंज करना है, तो क्लोज फॉर्म में चेंज करने के लिए फर्स्ट वैल्यू लिखेंगे एक्स की पावर टू प्लस वन ओवर एक्स की पावर टू, ये जो हमें गिवन है। उसके बाद क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस आएगा, उसके बाद सेकेंड वैल्यू आएगी टू और होल की पावर टू आ जाएगा। तो जो ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यूज हैं विदाउट स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके ऊपर आपने स्क्वायर नहीं लिखना, ये जो आपका आंसर आया। इसी तरह नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 8 की तरफ। सिंपल इसके ऊपर फैक्टराइजेशन का तरीका इस्तेमाल हुआ है। ये जो हम फैक्टराइजेशन करने लगे हैं, ये हमने एक्सरसाइज 6.1 में बहुत डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस की है। तो अगर आप चाहते हैं कि कैसे हम इन वैल्यूज़ को जो कि हमें थ्री वैल्यूज़ गिवन होती हैं, इनको हमने फोर वैल्यूज़ में ब्रेक करना होता है, तो आपको हमारी एक्सरसाइज 6.1 का सलूशन लाजमी देखना होगा, ठीक है ना। यहाँ पे जस्ट आपको रिव्यू दिया जाएगा,
बेसिकली जो हमारे पास सेंटर वाली वैल्यू होती है ना, इसको हमने दो वैल्यूज में ब्रेक करना होता है। यानी कि ये जो फर्स्ट इक्वेशन हमें गिवन है क्वाड्रेटिक, इसमें जो प्लस थ्री एक्स गिवन है, इसकी जगह दो वैल्यूज आ जाएंगी, प्लस टू एक्स प्लस एक्स। इसी तरह सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो ब्रैकेट्स में गिवन है, इसमें प्लस फोर एक्स की जगह दो वैल्यूज आ जाएंगी, प्लस थ्री एक्स प्लस एक्स। और लास्ट वाली वैल्यू जो हमें गिवन है प्लस फाइव एक्स, इसकी जगह पर भी दो वैल्यूज आ जाएंगी, प्लस थ्री एक्स प्लस टू एक्स। अब अगर हम पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमें गिवन है इसको हल करें, तो ये देखें एक्स की पावर टू प्लस टू एक्स, पहली दोनों वैल्यूज़ में से x कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा x प्लस टू। इसी तरह ये जो बाकी वैल्यूज रह गई हैं प्लस x प्लस टू, यहाँ से प्लस वन कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा x प्लस टू। यहाँ पे प्लस के साथ वन लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह जो सेकंड इक्वेशन है x की पावर टू प्लस थ्री एक्स, इन दोनों वैल्यूज़ में से भी x कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा x प्लस थ्री। और लास्ट पे जो वैल्यूज़ हैं प्लस x प्लस थ्री, यहाँ से भी प्लस वन कॉमन आएगा, बाकी रह जाएगा x प्लस थ्री। जो नीचे वैल्यूज गिवन है, इसकी पहली दोनों वैल्यूज में से एक्स कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा एक्स प्लस थ्री। और लास्ट वाली दोनों वैल्यूज में से प्लस टू कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा एक्स प्लस थ्री। देखें जो पहली इक्वेशन हमने क्वाड्रेटिक हल की थी उसमें दो वैल्यूज आई हैं दोनों में, यानी कि एक्स इंटू एक्स प्लस टू और दूसरी वैल्यू है प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू। दोनों वैल्यू में एक्स प्लस टू मौजूद है, इसको कॉमन ले लेते हैं, एक फॉर्म में लिख लेते हैं, और जो बाकी वैल्यूज रह गई हैं एक्स प्लस वन, इसको भी साथ में लिख लेते हैं। इसी तरह जो हमने सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हल करके ये वाली वैल्यूज लेकर आए हैं, इसमें भी दोनों वैल्यूज में एक्स प्लस थ्री मौजूद है, इसको कॉमन ले लेते हैं, एक वैल्यू की फॉर्म में लिख लेते हैं, और जो बाकी वैल्यू रह जाएगी ना यहाँ पे एक्स और यहाँ पे प्लस वन, इसको भी हम एक वैल्यू की फॉर्म में लिख लेंगे। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमने हल की थी, इसमें से भी एक्स प्लस थ्री कॉमन आ जाएगा और बाकी यहाँ पे एक्स रह जाएगा और यहाँ पे दूसरी वैल्यू में प्लस टू रह जाएगा, इसको भी एक वैल्यू की फॉर्म में लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमें x प्लस टू दो दफ़ा गिवन है, इसको हम लिख लेंगे x प्लस टू होल की पावर टू। इसी तरह x प्लस वन यहाँ पे भी गिवन है और x प्लस वन यहाँ पे भी गिवन है, इसको भी हम लिख लेंगे x प्लस वन होल की पावर टू। और x प्लस थ्री भी हमें दो दफ़ा गिवन है, इसको भी हम लिख लेंगे x प्लस थ्री होल की पावर टू। अब तीनों वैल्यूज़ का स्केयर है, तो हम तीनों वैल्यूज़ को इकट्ठा करके सारी वैल्यूज़ का एक बार स्केयर ले लेते हैं। अब जो ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यूज़ हैं ये हमारा आंसर आ जाएंगे, ठीक है ना। अब पार्ट नंबर नाइन की तरफ चलते हैं। सिंपल जो हमें पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसमें जो प्लस एट एक्स गिवन है, इसकी जगह पे दो वैल्यूज आ जाएंगी, प्लस सेवन एक्स प्लस एक्स। इसी तरह दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में माइनस वन एक्स की जगह पे दो वैल्यूज आ जाएंगी, माइनस थ्री एक्स प्लस टू एक्स। और लास्ट वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्लस इलेवन एक्स की जगह पे दो वैल्यूज आ जाएंगी, प्लस फोर्टीन एक्स माइनस थ्री एक्स। पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल कर लेते हैं। पहली दोनों वैल्यूज जो हमें गिवन है एक्स की पावर टू प्लस सेवन एक्स, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा x प्लस सेवन। इसी तरह लास्ट पे जो दो वैल्यूज रह गई हैं प्लस x और प्लस सेवन, यहाँ से प्लस वन कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा x प्लस सेवन। इसी तरह दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर लेते हैं। पहली दोनों वैल्यूज़ में से x कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा टू एक्स माइनस थ्री। और लास्ट वाली दोनों वैल्यूज़ में से प्लस वन कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा टू एक्स माइनस थ्री। थर्ड वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम हल करें, तो पहली दोनों वैल्यूज में से 2x कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा x प्लस सेवन। और लास्ट वाली दोनों वैल्यूज में से माइनस थ्री कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा x प्लस सेवन। पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x प्लस सेवन दो दफ़ा आ रहा है, इसको कॉमन ले लेते हैं, एक बार लिख लेते हैं, और जो बाकी वैल्यूज रह गई हैं x और यहाँ पे प्लस वन, इसको भी एक वैल्यू की फॉर्म में लिख लेते हैं। इसी तरह दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी हमारे पास दो वैल्यूज आ जाएंगी, 2x माइनस थ्री और x प्लस थ्री। और थर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने से दो वैल्यूज आ जाएंगी, x प्लस सेवन और 2x माइनस थ्री। अब देखें यहाँ पे जो हमारे पास x प्लस सेवन है, हमें दो दफ़ा गिवन है, इसको हम लिख लेंगे x प्लस सेवन होल की पावर टू। इसी तरह x प्लस वन भी हमें दो दफ़ा गिवन है, इसको भी लिख लेंगे x प्लस वन होल की पावर टू। और जो हमें गिवन है 2x माइनस थ्री, ये भी दो दफ़ा गिवन है, इसको भी हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेंगे। तीनों वैल्यूज़ का स्क्वायर है, तीनों वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लें, इनका स्क्वायर लिख लें, जो स्क्वायर के अंदर वैल्यूज़ हैं ये हमारा आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर टू की तरफ चलते हैं। इसमें जो हमें गिवन है इक्वेशंस, इनको हमने डिवीजन मेथड अप्लाई करके हल करना है और इनका भी हमने स्क्वायर रूट फाइंड अप करना है। सिंपल इस इक्वेशन को अंडर रूट के अंदर रख लेना है। अब देखें जो फर्स्ट वाली वैल्यू गिवन है 4x की पावर 2, किस वैल्यू को मल्टीप्लाई करें, किस वैल्यू से कि हमारे पास 4x की पावर 2 आ जाए। तो बेसिकली हमें नहीं पता कि यहाँ पे हमने कौन सी वैल्यू रखनी है, और अंडर रूट के ऊपर जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो भी नहीं हमें पता कौन सी होगी। तो देखें 4 किस वैल्यू को किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें कि 4 आ जाए। तो बेसिकली 2 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाएगा, 4 तो आ गया।
अब हमारे पास एक्स स्क्वेयर कैसे आएगा, तो बेसिकली एक एक्स हम यहाँ पे लिखेंगे और एक एक्स हम यहाँ पे लिखेंगे, तो एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स का स्क्वेयर आ जाएगा, तो दोनों वैल्यूज आ जाएंगी 4 और एक्स स्क्वेयर। लेकिन एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, जो वैल्यू आप यहाँ पे लिखेंगे ना वही वैल्यू आपने यहाँ पे अंडर रूट के ऊपर भी लिखनी है, दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। अब हमने 2x को 2x से मल्टीप्लाई कर लिया, प्लस 4x आ गया। आपको पता होगा कि जब हम कोई भी वैल्यू फाइंड अप करते हैं अंडर रूट के अंदर तो उसका हम साइन चेंज करते हैं, ये हम एक्सरसाइज 6.2 में डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। तो जो हमारे पास प्लस 4x की पावर 2 आया ना, ये चेंज हो जाएगा माइनस 4x की पावर 2 की फॉर्म में। अब देखें, ऊपर वाली वैल्यू है प्लस 4x की पावर 2, नीचे वाली वैल्यू है माइनस 4x की पावर 2, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि अपोजिट साइन है, वैल्यूज दोनों सेम है, ठीक है ना। जो बाकी वैल्यूज रह गई है ना, अब हम इनको अंडर रूट के अंदर रख लेंगे और इनको हल करेंगे। अब देखें यहाँ पे 4x प्लस 3y कैसे आया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको आपने ध्यान से सुनना। देखें जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है ना 4x, बेसिकली ये जो वैल्यू है ना 2x और ये वाली वैल्यू 2x, दोनों वैल्यूज को प्लस करने से आया, यानी कि 2x को प्लस करें 2x से हमारे पास 4x आ जाएगा, ठीक है ना। अब 4x को किस वैल्यू से हम मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास प्लस 12xy आ जाए, तो बेसिकली 4x को अगर हम प्लस 3y से मल्टीप्लाई करें हमारे पास वैल्यू आ जाएगी प्लस 12xy। अब ये जो वैल्यू आई है ना प्लस 3y, इसको हमने 4x के साथ भी लिखना है, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा प्लस 3y और इस 3y को इस 3y से भी मल्टीप्लाई करके वैल्यू लेकर आनी है, ठीक है ना। तो 3y को 3y से मल्टीप्लाई करें आ जाएगा प्लस 9y2। तो हमारे पास y स्क्वायर वाली वैल्यू जहाँ पे गिवन है ना उसी के नीचे हमने y स्क्वायर की वैल्यू लिखनी है। आपने ऐसे नहीं करना कि ये जो y स्क्वायर की वैल्यू आई है आपने इसको यहाँ पे लिख लेना है या यहाँ पे लिख लेना है, जहाँ पे भी आपको वेरिएबल सेम आएंगे ना नज़र वहाँ पे आपने इसको लिखना है। यानी कि यहाँ पे देखें एक्स वाई है, नीचे भी एक्स वाई, यहाँ पे लिखा इसी तरह, यहाँ पे y स्क्वायर है, नीचे भी y स्क्वायर। अब देखें ये जो हमने दो वैल्यूज फाइंड अप की है ना, सिंपल हमें पता है इनके हमने साइन चेंज करने हैं, साइन चेंज कर लेते हैं। पहली वैल्यू है प्लस 12xy और नीचे है माइनस 12xy, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पे देखें प्लस 9y2, नीचे माइनस 9y2, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। सिंपल हमारे पास ये वाली तीन वैल्यूज रह जाएंगी। अब हम इनको अंडर रूट के नीचे लिख लेते हैं और इनको हल कर लेते हैं। लेकिन ये देखें अब यहाँ पे तीन वैल्यूज आ गई हैं जबकि यहाँ पे दो वैल्यूज थी, ये तीन वैल्यूज कैसे आएंगी। सिंपल ये देखें, जो पहली वैल्यू है ना 4x, इसमें आपने कोई चेंजिंग नहीं करनी, इसको सिंपल नीचे लिख लेना है। उसके बाद देखें यहाँ पे जो न्यू वैल्यू ऐड हुई थी प्लस 3y, इसको ऐड करना प्लस 3y से, तो प्लस 3y प्लस 3y करेंगे वैल्यू आ जाएगी प्लस 6y, इसको यहाँ पे लिख लेना है। अब देखें 4x जो हमारे पास वैल्यू थी इसको किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास अंडर रूट वाली वैल्यू प्लस 16x आ जाए, तो बेसिकली 4x को अगर हम प्लस 4 से मल्टीप्लाई करें यह आ जाएगा प्लस 16x। और इसी तरह हमारे पास सेकेंड वैल्यू है प्लस 6y, इसको भी अब हम प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा प्लस 24y। ये जो हमने वैल्यू ऐड की है ना प्लस 4, इसको जो हमारे पास दो वैल्यूज थी ना 4x प्लस 6y, इनके साथ लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे प्लस 4 लिखेंगे और इस प्लस 4 को प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा प्लस 16। अब जो हमारे पास वैल्यूज आई हैं इनके साइन चेंज कर लेते हैं, पहली दोनों वैल्यूज भी कैंसिल हो जाएंगी क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है लेकिन साइंस अपोजिट हैं। इसी तरह सेकंड वाली दोनों वैल्यूज भी कैंसिल हो जाएंगी और लास्ट वाली दोनों वैल्यूज भी कैंसिल हो जाएंगी, हमारा आंसर आ जाएगा 0। अब देखें यहाँ पे हमने स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करना है, तो बेसिकली जो हमारे पास फर्स्ट वाली वैल्यू आई थी ना 2x, इसको पहले लिखेंगे, उसके बाद प्लस 3y को दूसरे नंबर पर लिखेंगे और तीसरे नंबर पर प्लस 4 को लिखेंगे, तो हमारे पास तीन वैल्यूज आ जाएंगी 2x प्लस 3y प्लस 4, तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट होगा गिवन क्वेश्चन का। इसी तरह नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ, सेम उसी तरह जैसे हमने पार्ट नंबर 1 किया है। देखें पहली वैल्यू है x की पावर 4, यानी कि इक्वेशन में सबसे बड़ी डिग्री कौन सी है, x की पावर 4, पहले इसको लिखेंगे। उसके बाद दूसरी वैल्यू है x की पावर 3 वाली, इसको लिखेंगे। तीसरी वैल्यू है x की पावर 2 वाली, इसको लिखेंगे। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास -60x आ जाएगा, उसके बाद कॉन्स्टेंट वैल्यू +36 आ जाएगा। पहली वैल्यू जो हमारे पास है x की पावर 4, इसको लाने के लिए बेसिकली हम यहाँ पे भी x की पावर 2 लिखेंगे और अंडर रूट के बाहर भी x की पावर 2 लिखेंगे। दोनों को मल्टीप्लाई करें, यानी कि x की पावर 2 को मल्टीप्लाई करें x की पावर 2 से, प्लस x की पावर 4 आ जाएगा। जो हमारे पास वैल्यू आई है प्लस x की पावर 4, इसका साइन चेंज करें, सेम वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है ना। और बाकी ये जो हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं ना, अब हम इनको अंडर रूट के अंदर रख के हल करेंगे
और हमारे पास अंडर रूट के बाहर पहली वैल्यू आ जाएगी 2x की पावर 2। ये कैसे आया, ये आपको ऊपर भी बताया, ये जो दो वैल्यूज है इनको ऐड करना, यानी कि x की पावर 2 + x की पावर 2 करेंगे, ये आ जाएगा 2x की पावर 2। अब 2x की पावर 2 को किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास वैल्यू आ जाए -10x की पावर 3। तो बेसिकली 2x की पावर 2 को अगर हम -5x से मल्टीप्लाई करें, यह आ जाएगा -10x की पावर 3। अब ये जो वैल्यू आई है ना -5x जो हमने यूज़ की है, इसको हम यहाँ पे भी 2x की पावर 2 के साथ लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे -5x लिखेंगे। अब ये जो -5x है इसको -5x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा +25x की पावर 2। जो वैल्यूज़ फाइंड अप की हैं इनके साइन चेंज कर लेते हैं, पहली दोनों वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी, इन वैल्यूज़ को प्लस माइनस कर लें, पहली वैल्यू आ जाएगी +12x की पावर 2 और लास्ट पे ये जो दो वैल्यूज़ हैं साथ में ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब देखें ये जो हमारे पास फर्स्ट वाली वैल्यू थी ना, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, यानी कि 2x की पावर 2 को सिंपल एज इट नीचे लिख लेंगे। उसके बाद जो सेकंड वैल्यू हमने न्यूली यहाँ पे यूज़ की थी, इससे पहले हमने इसको -5x को यूज़ नहीं किया था, तो -5x को प्लस करेंगे -5x से, यह आ जाएगा -10x, दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब देखें 2x की पावर 2 को किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास वैल्यू आ जाए +12x की पावर 2। तो बेसिकली 2x की पावर 2 को अगर हम +6 से मल्टीप्लाई करें, पहली वैल्यू आ जाएगी +12x की पावर 2। इसी तरह -10x जो कि हमारे पास दूसरी वैल्यू है, इसको भी अब हम +6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा -60x। तो क्योंकि हमने यहाँ पे +6 लिखा है, तो पहली दोनों वैल्यूज़ के साथ +6 को भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये जो +6 है इसको +6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा +36। पहली दोनों वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी क्योंकि सेम वैल्यूज़ हैं, अपोजिट साइन है, इसी तरह दूसरी दोनों वैल्यूज़ भी कैंसिल हो जाएंगी और लास्ट वाली दोनों वैल्यूज़ भी कैंसिल हो जाएंगी, हमारा आंसर आ जाएगा 0। अब हमारे पास जो वैल्यूज़ आई हैं x की पावर 2 -5x + 6, ये हमारे पास स्क्वायर रूट होगा। इसी तरह नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। इसमें भी सिंपल वही तरीका आपने इस्तेमाल करना है, 3x की पावर 2 को मल्टीप्लाई करें 3x की पावर 2 से, ये आ जाएगा +9x की पावर 4। जो वैल्यू आई है इसका साइन चेंज करें, पहली दोनों वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी, जो बाकी वैल्यूज़ रह गई हैं अब हम इनको लिख लेते हैं, 3x की पावर 2 को ऐड करें 3x की पावर 2 से, ये आ जाएगा 6x की पावर 2। अब 6x की पावर 2 को किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें कि -6x की पावर 3 आ जाए, तो बेसिकली 6x की पावर 2 को -x से मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा -6x की पावर 2। अब ये जो वैल्यू हमने यूज़ की है -x, इसको हम यहाँ पे भी लिखेंगे और -x को मल्टीप्लाई करेंगे -x से, ये आ जाएगा +1/x की पावर 2। पहली दोनों वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी साइंस को चेंज करने के बाद, और यहाँ पे अगर हम इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस माइनस करें, ये आ जाएगा +6x की पावर 2 और लास्ट वाली दोनों वैल्यूज साथ में आ जाएंगी। अब देखें 6x की पावर 2 में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, लेकिन जो हमने यहाँ पे वैल्यू यूज़ की थी -x, ठीक है ना, तो -x + -x, ये आ जाएगा -2x। दो वैल्यूज़ आई हैं, 6x की पावर 2 को किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें कि वैल्यू आ जाए +6x की पावर 2। तो बेसिकली 6x की पावर 2 को अगर हम +1 से मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा +6x की पावर 2। अब हम -2x को +1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा -2x, और क्योंकि हमने +1 यहाँ पे यूज़ किया, +1 यहाँ पे भी लिखेंगे और +1 को मल्टीप्लाई करेंगे +1 से, हमारी वैल्यू आ जाएगी +1। जो वैल्यूज हमने फाइंड अप की हैं इनके साइंस को चेंज कर लेते हैं, पहली दोनों वैल्यूज भी कैंसिल हो जाएंगी, दूसरी दोनों वैल्यूज भी कैंसिल हो जाएंगी और लास्ट वाली दोनों वैल्यूज भी कैंसिल हो जाएंगी, आंसर आ जाएगा 0। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट था वो आ जाएगा 3x की पावर 2 - x + 1, ठीक है ना, इसको एक वैल्यू की फॉर्म में लिख लेंगे और साथ में प्लस माइनस लिख लेंगे। इसी तरह नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। सिंपल यहाँ पे देखें, जो ऊपर आपको समझाया भी था, एक्स की बड़ी डिग्री कहाँ पे है, तो लास्ट वाली वैल्यू जो हमें गिवन है +16x की पावर 4, तो ये सबसे बड़ी डिग्री है x की पावर 4, तो इसको सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद x की पावर 3 वाली वैल्यू को फाइंड करते हैं जो कि हमें यहाँ पे गिवन है, तो इसको हम दूसरे नंबर पे लिख लेंगे, यानी कि -24x की पावर 3 आ जाएगा। इसी तरह तीसरे नंबर पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी, चौथे नंबर पे x वाली वैल्यू आ जाएगी और सबसे लास्ट पे कॉन्स्टेंट वैल्यू आ जाएगी जो कि हमें +4 गिवन है। सिंपल 16x की पावर 4 को फाइंड करने के लिए 4x की पावर 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4x की पावर 2 से, ये आ जाएगा +16x की पावर 4। जो वैल्यू फाइंड अप की है साइन चेंज करें, दोनों वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी, ये जो हमारे पास बाकी वैल्यूज़ रह गई हैं इनको हम अंडर रूट के अंदर रख लेते हैं और इनको हल कर लेते हैं। देखें यहाँ पे हमारे पास वैल्यू थी 4x की पावर 2 और ऊपर भी 4x की पावर 2,
दोनों को प्लस कर लेते हैं, ये आ जाएगा 8x की पावर 2। अब 8x की पावर 2 को किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें कि हमारी वैल्यू आ जाए -24x की पावर 3। तो बेसिकली 8x की पावर 3 को -3x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वैल्यू आ जाएगी -24x की पावर 3। अब ये जो वैल्यू आई है -3x, इसको 8x की पावर 2 के साथ लिखेंगे तो ये आ जाएगा -3x। अब -3x को मल्टीप्लाई करें -3x से, यह आ जाएगा +9x की पावर 2। जो वैल्यूज फाइंड अप की हैं इनके साइंस को चेंज करने के बाद पहली दोनों वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, इन वैल्यूज को प्लस माइनस कर लें, यह आ जाएगा +16x की पावर 2, और ये जो दो लास्ट पे वैल्यूज हैं साथ में ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी। अब देखिए पहली वैल्यू इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, यानी कि 8x की पावर 2 आ जाएगा, उसके बाद -3x और +-3x, यह आ जाएगा -6x। अब 8x की पावर 2 को +2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा +16x की पावर 2, जो वैल्यू है दूसरी -6x, इसको मल्टीप्लाई करें +2 से, ये आ जाएगा -12x, और ये जो हमने यूज़ किया है ना +2, इसको यहाँ पे भी लिखेंगे। अब +2 को मल्टीप्लाई करें +2 से, ये आ जाएगा +4। वैल्यूज़ के साइन चेंज करने के बाद तीनों वैल्यूज़ आपस में कैंसिल हो जाएंगी, आंसर आ जाएगा 0। तो जो हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं ना, पहली वैल्यू थी 4x की पावर 2, दूसरी थी -3x और तीसरी थी +2, ये हमारे पास रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट आ जाएगा, साथ में प्लस माइनस आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। इसमें देखें सीक्वेंस कैसे हम चेक करेंगे। पहली वैल्यू है x की पावर 2, एक्स की डिग्री को देख लें, x की पावर 2, उसके बाद दूसरी है एक्स, तीसरी कॉन्स्टेंट वैल्यू। तो कांस्टेंट वैल्यू के साथ बेसिकली होता है x की पावर 0, यानी कि x किसी भी वैल्यू की पावर 0 लें आंसर 1 आ जाता है, तो यहाँ पे x की पावर 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो x के बाद कांस्टेंट वैल्यू आती है, कांस्टेंट वैल्यू के बाद देखें यहाँ पे x बटे के नीचे है, तो x को बटे के ऊपर लेके जाएंगे, x की पावर आ जाएगी -1, ठीक है ना। तो कांस्टेंट वैल्यू के बाद ये वाली वैल्यू आएगी, और उसके बाद देखें यहाँ पे x की पावर 2 है बटे के नीचे, तो इसको बटे के ऊपर लेकर जाएंगे, x की पावर -2 आ जाएगा। तो क्योंकि x की पावर जो -1 है वो बड़ा होता है x की पावर -2 से, वो कैसे, आपको पता होगा -1 बड़ा होता है -2 से, तो पहले ये वाली वैल्यू आएगी और बाद में ये वाली वैल्यू, ठीक है ना। यानी कि ये सीक्वेंस दुरुस्त हमें गिवन है, जस्ट हमने इसको हल करना है। सिंपल जो हमें वैल्यू गिवन है इसको अंडर रूट के अंदर लिख लेते हैं। अब पहली वैल्यू x की पावर 2 डिवाइड बाय y की पावर 2, इसको लाने के लिए बेसिकली x डिवाइड बाय y, इसको मल्टीप्लाई करते हैं x डिवाइड बाय y से। पहली वैल्यू आ जाएगी +x की पावर 2 डिवाइड बाय y की पावर 2। जो वैल्यू आई है साइंस को चेंज करने के बाद पहली दोनों वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी, बाकी सिंपल ये वैल्यूज़ रह जाएंगी। अब हम इनको अंडर रूट के अंदर रख लेते हैं और इनको हल कर लेते हैं। देखिए पहली वैल्यू जो हमारे पास आई थी x डिवाइड बाय y, और यहाँ पे भी x डिवाइड बाय y, दोनों को प्लस करें, वैल्यू आ जाएगी 2x डिवाइड बाय y। अब जो हमारे पास वैल्यू आई है 2x डिवाइड बाय y, इसको किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें कि -10x डिवाइड बाय y आ जाए। तो बेसिकली 2x डिवाइड बाय y को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, -10x डिवाइड बाय y आ जाएगा, और जो हमारे पास -5 यहाँ पे आया इसको हम यहाँ पे भी लिखेंगे। अब -5 को मल्टीप्लाई करें -5 से, यह आ जाएगा +25। पहली दोनों वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी साइंस को चेंज करने के बाद। इन दोनों वैल्यूज़ को जो कि हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज़ आई हैं, इनको प्लस माइनस कर लेते हैं, यह आ जाएगा 2। साथ में ये जो दो वैल्यूज़ हैं इनको हम लिख लेते हैं। अब इनको हल कर लेते हैं। ये जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू थी ना 2x डिवाइड बाय y, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, इसको सिंपल एज इट नीचे लिख लेंगे। उसके बाद जो सेकंड वैल्यू हमने न्यूली यूज़ की थी -5, तो -5 को ऐड करेंगे -5 से, यह आ जाएगा -10। फर्स्ट वैल्यू जो है 2x डिवाइड बाय y, इसको किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर आ जाए 2। तो बेसिकली 2x डिवाइड बाय y को मल्टीप्लाई करते हैं y डिवाइड बाय x से। तो पहली वैल्यू आ जाएगी +2, इसी तरह -10 को y डिवाइड बाय x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा -10y डिवाइड बाय x, और लास्ट वाली वैल्यू जो कि हमने यूज़ की है y डिवाइड बाय x, यहाँ पे भी लिखेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा y की पावर 2 डिवाइड बाय x की पावर 2। साइंस को चेंज करें, तीनों वैल्यूज आपस में कैंसिल हो जाएंगी, आंसर आ जाएगा 0। जो हमारे पास पहली वैल्यू थी x डिवाइड बाय y, दूसरी वैल्यू थी -5, और तीसरी वैल्यू आई है y डिवाइड बाय x, ये हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट आ जाएगा x डिवाइड बाय y -5 + y डिवाइड बाय x, साथ में हम प्लस माइनस लिख लेंगे। इसी तरह नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। सिंपल वही तरीका है जो हमने ऊपर डिस्कस किया है, मजीद इसको डिस्कस करना जस्ट टाइम वेस्टिंग होगी। इसका आपने अंडर रूट फाइंड अप करना है, जो आंसर आएगा ना
यहाँ पे देखें जो हमारा आंसर आता था ना ऊपर वाले क्वेश्चन में जीरो आता था, लेकिन यहाँ पे है के माइनस 49, तो इसको हम जीरो के इक्वल ऐड कर लेते हैं, ठीक है ना। तो के माइनस 49 इक्वल हो जाएगा जीरो के, तो क्योंकि हमने गिवन क्वेश्चन में के की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो माइनस 49 को इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं, के की वैल्यू आ जाएगी 49। इसी तरह हम नेक्स्ट वाले पार्ट की बात कर लेते हैं। तो गिवन इक्वेशन हमें सीक्वेंस वाइज गिवन है, यानी कि पहले एक्स की पावर 4 गिवन है, फिर एक्स की पावर 3, फिर एक्स की पावर 2, फिर एक्स और फिर कॉन्स्टेंट। इसको अंडर रूट के अंदर रख लेंगे। यहाँ पे जो हमें एक्स के साथ के गिवन है ना, इसकी वैल्यू हमने फाइंड अप करनी है। सेम वही तरीका है जिसको हमने कई बार डिस्कस किया है ऊपर, हल करते जाएं। फाइनली जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस के एक्स प्लस 12 एक्स। इस वैल्यू को हम जीरो के इक्वल ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास माइनस के एक्स प्लस 12 एक्स इक्वल आ जाएगा जीरो के। इन दोनों वैल्यूज में से एक्स कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा माइनस के प्लस 12 इज इक्वल जीरो। तो क्योंकि हमारे पास जो वेरिएबल है वो जीरो नहीं हो सकता, तो अगर वेरिएबल जीरो ना होगा तो जो बाकी वैल्यूज हैं डेफिनेटली वो जीरो होंगी। तो माइनस के एक्स प्लस 12 इज इक्वल आ जाएगा जीरो के। तो यहाँ से अगर के की वैल्यू निकालें वो आ जाएगी 12। इसी तरह नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। यहाँ पे हमने एल और एम की वैल्यूज फाइंड अप करनी है। सेम वही तरीका है, आपने इसका अंडर रूट लेते जाना है, यहाँ तक आप इजीली क्वेश्चन को हल कर लेंगे। नीचे वाले स्टेप में थोड़ी मुश्किल हो सकती है, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। पहली वैल्यू जैसा कि आपको बताया, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। उसके बाद जो हम न्यूली वैल्यू यूज करते हैं, जैसे कि प्लस 2x यहाँ पे यूज किया है, तो इस वैल्यू को प्लस 2x से प्लस करेंगे, यानी कि प्लस 4x आ जाएगा। अब देखें 2x की पावर 2 को किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास आ जाए 12x की पावर 2। बेसिकली यहाँ पे प्लस 6 आता है, ये गलती से 7 लिख लिया, आपने यहाँ पे 6 लिखना है, ठीक है ना। तो 2x की पावर 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा प्लस 12x की पावर 2। इसी तरह प्लस 4x को प्लस 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा प्लस 12x। क्योंकि दूसरी वैल्यू हमारे पास प्लस एल एक्स है, तो जो हमारे पास वैल्यू आई है ना प्लस 24x, एल के साथ भी एक्स है, तो इसके नीचे हम एक्स वाली वैल्यू लिखेंगे। और क्योंकि हमने यहाँ पे प्लस 6 यूज़ किया था ना, यहाँ पे भी प्लस 6 आ जाएगा। तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 30। देखें एम के साथ कोई वेरिएबल नहीं गिवन, यानी कि एम कोई कांस्टेंट वैल्यू है, तो 36 भी कांस्टेंट वैल्यू होगी ना, क्योंकि इसके साथ भी कोई वेरिएबल नहीं। तो सिंपल जो हमारे पास वैल्यूज आई हैं, इनके साइन चेंज करते हैं, पहली दोनों वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी। अब देखें यहाँ पे एल एक्स और नीचे -24x, इन दोनों वैल्यूज को इकट्ठा करके लिख लेते हैं और दोनों वैल्यूज में से एक्स कॉमन ले लेंगे। और लास्ट पे जो वैल्यू है ना प्लस एम और -36, इसको भी इकट्ठा करके लिख लेते हैं। अब दोनों वैल्यूज को इक्वल ऐड करना जीरो के, यानी कि एल -24 इक्वल जीरो और हमारे पास दूसरी वैल्यू है एम -36 इज इक्वल टू जीरो। दोनों वैल्यूज में से एल और एम की वैल्यू फाइंड अप कर लें, एल की वैल्यू आ जाएगी 24 और एम की वैल्यू आ जाएगी 36। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 की बात कर लें, यहाँ से भी आपने एल और एम की वैल्यू फाइंड अप करनी है। सिंपलीफाई करते जाएं, आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी एल प्लस 60 और दूसरी वैल्यू आ जाएगी एम प्लस 36। दोनों को जीरो के इक्वल ऐड करना है। पहली वैल्यू में से आप एल की वैल्यू निकाल लेंगे, दूसरी वैल्यू में से आप एम की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है ना। इसी तरह पार्ट नंबर 5 है हमारे पास, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सिंपल इस इक्वेशन को हल करने के बाद हमने बताना है व्हाट शुड बी एडिड टू इट, यानी कि इसमें क्या हमें ऐड करने की ज़रूरत है। पार्ट नंबर 2 में हमने बताना है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इट, इसमें से क्या हमें माइनस करने की ज़रूरत है, और व्हाट शुड बी वैल्यू ऑफ एक्स और एक्स की वैल्यू क्या होगी। सिंपल हमें इक्वेशन गिवन है, आपने इसका अंडर रूट लेते जाना है, ठीक है ना, डिवीजन मेथड अप्लाई करना है। फाइनली हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी -x+3। यहाँ से हमने आपको बताना है जो हमें तीन प्रॉपर्टीज गिवन थी उनको कैसे सेटिस्फाई करना है। तो पहली प्रॉपर्टी थी कि जो आंसर आएगा उसमें क्या ऐड करें कि हमारे पास आंसर जीरो आ जाएगा, यानी कि कंप्लीट स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो बेसिकली हमारी वैल्यू आई है -x+3, तो इसमें अगर हम जमा करेंगे ना एक्स माइनस थ्री को, तो यहाँ पे आपको सॉल्व करके भी बताया कि माइनस एक्स प्लस एक्स से कैंसिल हो जाएगा और प्लस थ्री माइनस थ्री से कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा जीरो। तो बेसिकली जो आंसर आया ना हमारे पास -x+3, उसमें हमें x-3 अगर ऐड करेंगे तो पहली इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है ना। इसी तरह दूसरी इक्वेशन के जो हमारे पास आंसर आया -x+3, उसमें से हम क्या माइनस करेंगे, तो बेसिकली -x+3 को हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा जीरो, ठीक है ना। तो दूसरी इक्वेशन भी सेटिस्फाई होगी कि हमने -x+3 को माइनस करना है। और तीसरी इक्वेशन कि हमने x की वैल्यू फाइंड अप करनी है,
तो बेसिकली हमें पता है आंसर हमारा आता है जीरो, ठीक है ना। तो जो वैल्यू आई है ना माइनस एक्स प्लस थ्री, इसको इक्वल ऐड कर लेते हैं जीरो के, यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लें वो आ जाएगी थ्री।